नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास डेज एंड थीम्स मई 2023। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आपके पास डेट्स हैं 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 6 मई। आपका आंसर है ऑप्शन ए, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। इस डे की थीम थी अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। ओके, इस थीम को प्लीज़ याद रखना। थीम्स आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कई बार ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2023। हेयर इज द ऑप्शन, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और या फिर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों। आपका आंसर है डी, गुजरात और महाराष्ट्र ने हाल ही में अभी अपना अपना जो फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया है, जो है आपका 1 मई 2023 को, और ये उनका 63rd इस्टेब्लिशमेंट डे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात ने 63rd अपना ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। गुजरात गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज महाराष्ट्र दिन। ठीक है, मतलब गुजरात मनाता है गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र मनाता है महाराष्ट्र दिन के तौर पे। गुजरात एंड महाराष्ट्र वर फॉर्म्ड एज सेपरेटेड स्टेट ऑन 1 मई 1960। तो 1960 में ये अलग हो गए थे, इस फैक्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 1 मई, 2 मई, 3 एंड 4 मई। तो क्या है इसका आंसर, हम मनाते हैं इसको, सेलिब्रेट करते हैं 2 मई को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाते हैं हम लोग। तो अगेन हमारे पास डेट्स हैं 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। तो हमारे पास आंसर है सी, 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, दिस डे वॉज इस्टेब्लिश इन 1993। किसने एडवाइस किया था, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने किया था UN जनरल असेंबली को। ठीक है, और उसी के द्वारा 1993 में दिस डे वॉज इस्टेब्लिश ऑन 3 मई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये फ्रीडम डे इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग अ फ्यूचर और फ्यूचर ऑफ राइट्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, इस लाइन को आप मेनली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो अगेन डेट्स हैं हमारे पास 3 मई, 4 मई, 5 मई और 6 मई। तो इसका आंसर है हमारे पास 4 मई को हम ये वाला आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इनमें देखेंगे हम मतलब बेसिक सी वही थीम है कि फायर फाइटर्स ने किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, उनको ऑनर देने के लिए उनके ग्रेट वर्क को किस तरह से उन्होंने पूरा किया, प्रॉपर्टी बचाई लोगों की, लोगों की जान बचाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्ध पूर्णिमा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 4 मई, 5 मई, 3 मई भी है और 6 मई। तो इसका आंसर हमारे पास बी, 5 मई को हमने इसको सेलिब्रेट किया था बुद्ध पूर्णिमा को। ठीक है, मतलब इस दिन हमको इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा, इसको हम लोग बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं और ये सेलिब्रेट की जा रही है 5 मई 2023 को कॉन्टीन्यूसली। वेल द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। ठीक है, ईयर 2023 जो है यहाँ पे इनकी 2585th बर्थ एनिवर्सरी थी जो सेलिब्रेट की गई। ठीक है, बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल और निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको एट एज ऑफ 35। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन इज़ द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड। 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई। तो इसका आंसर है हमारे पास, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 7 मई को। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एज अ मीन ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेज एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा अच्छे ही होते हैं चीज़ों के। वेल 2023 की थीम थी हमारे पास एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 6 मई, 7 मई, 8 मई और
9th मई। इसका आंसर है 8th मई को हम लोग थैलेसीमिया डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम की इस बार देखेंगे, बात करते हैं तो जो थीम थी 2023 की वो थी बी अवेयर शेयर एंड केयर। ठीक है, यहाँ पे थीम लिखी है थैलेसीमिया जो है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है विच इज़ इनहेरिटेटेड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो भाई पेरेंट्स की दिक्कत जब होती है तो वो जेनेटिकली बच्चे में भी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 7th मई, 8th मई, 9th मई और 10th मई। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। इसकी थीम के बारे में बात करेंगे टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनांट। तो इनको ऑनर देने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, हु फाउंडेड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड वॉज फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज। पीस प्राइज जितने भी होते हैं वो सारे आपको ओस्लो में मिलते हैं। ठीक है, 2023 की थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये हम इंडो पाठशाला वालों के लिए भी बढ़िया है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ओके वेल, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 10th मई, 11th मई, 12th मई और 13th मई। तो बी इज़ द राइट आंसर। 11th मई को उसको सेलिब्रेट किया जाता है, रिकॉग्नाइज करता है और ऑनर करता है टू रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इट्स साइंटिस्ट इंजीनियर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई डेवलपमेंट में उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया है वो। और 2000 की थीम की हम बात करें तो इसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 2-3 बार इसको पढ़ लेना आप भी अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 11 मई को। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 12 मई को, 13 मई, 14 मई और 15th मई। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, कमेमोरेट द बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं की याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग हु वाज बोर्न ऑन द मई 12th 1920। तो इस बार की थीम ऐसे कुछ खास है नहीं, तो डे आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो 10th मई, 11th मई, 12th मई और 13th मई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास, वर्ल्ड मतलब विश्व प्रवासी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 13th मई को। इसकी थीम है वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। ओके, वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ, वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ, तो इसको याद रखना। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 ऑब्जर्व्ड? तो शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 14th मई, 15th मई, 16th और 17th मई। करेक्ट आंसर है 16th मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बार देखोगे तो उसका एम है या फिर थीम और एम कुछ भी कह सकते हो आप, टू प्रमोट पीस टॉलरेंस इंक्लूसिविटी अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2023 सेलिब्रेटेड? तो इसको हम मनाते हैं 16th मई को। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे जो एनिवर्सरी है ये फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में बात हुई थी, जो लेज़र का ऑपरेशन हुआ था 1960 में, और ये आपके फिजिस एंड इंजीनियर थे थियोडोर मेमन, इन्होंने की थी। और इन्हीं की याद में या फिर इनको डिनोट करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 16th मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, व्हेन डिड सिक्किम सेलिब्रेट इट्स 48th फाउंडेशन डे? 22 मई, 30th मई, 16th मई या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 16th मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और सिक्किम का 48th फाउंडेशन डे था। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, और ये बना कब था? 16th मई 1975। तो डे याद रखना, डे क्या है? 16th मई। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? तो 16th मई, 15th मई, 17th मई या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 17 मई को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। किस डे को? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो उसकी थीम थी मीजर योर ब्लड
प्रेशर एक्यूरेटली, इसके साथ ही कंट्रोल इट और लिव लॉन्गर। आप लोग भी डेली रनिंग करने जाया करो, एटलीस्ट 3 किलोमीटर तो पैदल चला ही करो। ओके क्वेश्चन है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे? 18 मई, 19 मई, 21 मई और या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? ठीक है, पर्पस क्या था इस बार का? कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन, वेल बीइंग एंड फिटनेस, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन या फिर नन ऑफ द अबव। इसकी थीम है 2023 की इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 18 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 18 मई यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, इसको देख लेना। तो कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इस बार का पर्पस था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड? मई 19, मई 20, मई 21 या फिर मई 22। करेक्ट आंसर इज मई 22 को हम जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार देखेंगे तो टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेज द प्रिजर्वेशन ऑफ अर्थ डाइवर्स इकोसिस्टम। ये इस बार का मतलब, इसको इस बार का क्या है, इसको हम हर बार यही इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन इसका एम है। क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टर्टल डे 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड? मई 23, मई 22, मई 21। 22 हमने अभी देखा है, तो दो ऑप्शन बचे आपके पास। करेक्ट आंसर है मई 23 को हम वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं आपको गहीरमाथा, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल, और ये दुनिया में सबसे छोटे भी हैं और ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, थीम थी आई लव टर्टल्स। नेक्स्ट है, और ये एंडेंजर्ड है, ये भी याद रखना IUCN के स्टेटस के हिसाब से बात करें तो। ऑन विच डेट इज़ कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 13 मई, 24 मई, 1 जनवरी या फिर 15 सितंबर। मई की बात कर रहे हैं तो 13 हमारा हो गया है, तो करेक्ट आंसर इज 24 मई। इस बार की थीम की बात करोगे कॉमनवेल्थ डे की 2023 में, तो फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व, या फिर हमको कब से मनाते आ रहे हैं? डे यहाँ पे मेंशन है इसकी थीम के पेज पे, 25 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम भाई हम इसकी थीम की बात करेंगे तो इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। खैर, ये गंभीर समस्या है, रनिंग करने जाए करो तो फिर चीज़ें बीमारी नहीं होंगी। डेली वॉक किया करो, एटलीस्ट जॉग तो यही करो सब लोग। वर्ल्ड हंगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 24 मई, 28 मई, 30 मई या फिर 26 मई। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 28 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू हंगर एंड पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 25 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई। करेक्ट आंसर है 28 मई को हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की थीम की बात करेंगे, आवर वॉइसेस एक्शंस और डिमांड, अपहोल्ड वुमेन्स हेल्थ एंड राइट्स नाउ। नेक्स्ट है, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। तो 31 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि भाई तंबाकू नहीं खाना है। इसकी थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। ओके, ये थी थीम। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। DRDO इज सेलिब्रेटेड, मतलब DRDO डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो आंसर है हमारे पास 1 जनवरी। आपको जो फैक्ट याद रखना है वो ये है कि जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO है, ये इसका 65th फाउंडेशन डे था जो सेलिब्रेट किया गया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी January 1, 2023 को। ठीक है, यानी कि इस दिन हमने इसको सेलिब्रेट किया है। वहीं आप देखेंगे तो एक्चुअल में इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो है 1958। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट हमारे पास, वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो हियर इज द आंसर, यहाँ पे हमारे पास
4th जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, दिस डे इज मार्क्ड रिमेंबरिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुईस ब्रेल। ठीक है, इन्वेंटर थे ये ब्रेल लैंग्वेज के। ठीक है, और मतलब विजुअल डिसेबिलिटीज इनमें लोगों में होती हैं, उनमें मतलब उनको वो टच करके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी थी, ये तकनीक थी, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। वेल नेक्स्ट हमारे पास नॉन रेजिडेंट इंडियन डे और ऑल्सो एज द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आंसर है हमारे पास 9th जनवरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, थीम थी इसकी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, है ना। और महात्मा गांधी के बारे में फैक्ट याद रखना, 1924 में हुआ था आपका बेलगांव अधिवेशन। ये गांधी जी के ज़िंदगी का एकमात्र सेशन था जिसकी उन्होंने हेड की, मतलब जिसकी उन्होंने अध्यक्षता संभाली थी, जिसको उन्होंने हेड किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। तो उसका आंसर है हमारे पास 10 जनवरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, और जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 2023 की जो थीम है वो है हिंदी ट्रेडिशनल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, नेशनल हिंदी डे मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हियर इज़ द आंसर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है आपका 12th अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर है हमारे पास 15th जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 1st जनवरी को DRDO डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और KM करियप्पा जो थे वो फर्स्ट इंडियन हेड थे ऑफिसर ऑफ इंडियन फोर्सेस, KM करियप्पा। इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो हियर इज द आंसर, 23rd जनवरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट January 23rd एज पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1940 में जो त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन थे, ठीक है, उन दोनों ही कांग्रेस सेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, तो याद रखना। नेताजी वॉज बोर्न ऑन, तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1897 में उनका जन्म हुआ था ओडिशा में। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर है हमारे पास 16 जनवरी को हम हमारा देश के तौर पे जो हम मनाते हैं स्टार्टअप डे उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 25, 26, 28 और 30, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2023 की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो हियर इज द आंसर, 29th जनवरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी एवरी ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास, जनवरी 2023 की इंपॉर्टेंट डेज जो रिवाइज करने हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी हैं, अभी जल्द से रिसाइड कर देता हूँ तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 जनवरी को DRDO डे, 1 जनवरी को ही हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा 10th जनवरी को करते हैं हम वर्ल्ड हिंदी डे, 12th जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15th जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट कर किया जाता है, 23rd जनवरी पराक्रम दिवस, 24th जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यहाँ पे है 24th जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, 25th जनवरी है आपका नेशनल वोटर्स डे,
25 जनवरी को ही करते हैं हम नेशनल टूरिज्म डे, और 30 जन ये हमारा शहीद दिवस मार्टियर्स डे, 14 सितंबर को याद रखना नेशनल हिंदी डे होता है हमारा जो यहाँ पे क्लैश कर रहा है। 12th अगस्त को है इंटरनेशनल यूथ डे, 11th नवंबर को है नेशनल एजुकेशन डे, इसके अलावा 27 सितंबर को है वर्ल्ड टूरिज्म डे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हमारा चालू हो रहा है फरवरी मंथ का, चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 2 फरवरी है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस बार की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी इज़ द राइट आंसर। यहाँ की थीम थी क्लोज द केयर गैप, ये इंपॉर्टेंट है, किसी पेपर में पूछी भी गई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वेल, इसको याद रखना, क्लोज द केयर गैप। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोनों जगह जो क्लैश हो रहे हैं इसको समझ लेना, कन्फ्यूज मत होना बस। नेक्स्ट है व्हेन इज़ वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 11 फरवरी, 4 फरवरी, 7th और 13th, तो 11 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, ये इसकी थीम थी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, इनकी ही मतलब इनको ही रेस्पेक्ट देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका आंसर है हमारे पास 21 फरवरी। कंटिन्यू करते हैं अपने मार्च मंथ की थीम्स एंड डेज को। ठीक है, पहला है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो उसका आंसर है हमारे पास 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम थी डिजिट ऑल, यानी कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, यहाँ पे है नेक्स्ट व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। और यहाँ बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। ओके, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन इज वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका आंसर है बी, यानी कि 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस बार की जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीवी, ये हमारा एम है इंडिया का 2025 तक। वहीं WHO ने वर्ल्ड लेवल पे इसको ख़त्म करने का टारगेट रखा है 2030। ओके, नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इज द आंसर 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी आई लव स्पैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। यहीं पर हम देखेंगे तो 1 मार्च को, मतलब यहाँ पे सारी एक साथ ये लिस्टिंग हो गई है ना कि, तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेटिंग डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, 8 मार्च को मनाते हैं हम इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम हमने देखी है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। वहीं बात करेंगे 14 मार्च की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इसको सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च की बात करेंगे तो इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ठीक है, इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 16 मार्च की बात करेंगे तो नेशनल वैक्सीनेशन डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम थी बी माइंडफुल। ठीक है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, तो दिस वॉज द थीम ऑफ 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। वेल, नेक्स्ट है इस पेज पे हम देखेंगे तो 20 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, थीम थी आई लव स्पैरोज। 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट एंड हेल्थ वॉज द थीम। वर्ल्ड वाटर डे एक्सेलरेटिंग चेंज। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, इस बार की थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीदी दिवस या फिर मार्टियर्स डे। दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, कौन कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव और शिवराज गुरु। 1931 को उनको फांसी हुई थी, तो उसी के लिए हम मनाते हैं शहीदी दिवस। ठीक है,
24th मार्च की बात करेंगे तो वर्ल्ड टीवी डे, थीम थी इस बार की यस वी कैन एंड टीवी बाय 2025। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्रैल मंथ। इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हियर इज द आंसर, 2 अप्रैल को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम है हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, दिस वॉज द थीम, तो उसको याद रखना। वेल नेक्स्ट है हमारे पास, वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर है हमारे पास सी, 7 अप्रैल को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मनाते हैं हम लोग, मतलब वर्ल्ड लेवल पे मनाते हैं 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है हमारे पास, वेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर है 22nd अप्रैल। ठीक है, थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। वेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। इसको हमारे जब आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 ओ है, ये जाती राज के बारे में समझ सकते हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, वेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। ठीक है, थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। अप्रैल की हम बात करेंगे सारी थीम्स की एक साथ, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल को RBI फाउंडेशन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, थीम हमने देखी ली है कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं दो डे हैं, कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस और महावीर जयंती एज वेल। वेल 5 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल को करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, 2023 की थीम थी हमारे पास हेल्थ के लिए हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, इसके अलावा जो अदर हमारी तारीख बच रही हैं, डेट्स हैं, 10th अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, 2030 की जो हमारी थीम है 2023 की वो है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 2023 थीम थी हमारी हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लीवर का आप लोग अपना स्पेशल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। 2023 का है हमारे पास बी विजिलेंट डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन, ये बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज़ होती है फैटी लीवर वाली। ठीक है, 22nd अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे, थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानट, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। वेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो मैंने बताया था इसको आपको, पहले क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, यहाँ तो है हमारी PPT का एंड। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।